नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। आगामी लोकसभा चुनाव में बलिया लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा होगा और समाजवादी पार्टी किस तरीके से बलिया लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी, इसको लेकर राजनीतिक बात शुरू हो चुकी है। बात करें दिल्ली की, बात करें बलिया की, इन जगहों पर बलिया से कौन चुनाव लड़ेगा। दोस्तों, दिल्ली में दावेदार जमे हुए और दावेदारों की तरह तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं। बात हो रही है गाजीपुर लोकसभा सीट से अलका राय की, यही चर्चा है वैसे दिल्ली में कि क्या अलका राय, दिल्ली में जो चर्चा चल रही है गाजीपुर लोकसभा सीट से, क्या भारतीय जनता पार्टी अलका राय को चुनाव लड़ाएगी। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर बलिया लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी क्यों अपने उम्मीदवार को होल्ड पर रखी है, जबकि बगल वाली सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रविंदर कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है, लेकिन बलिया लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को क्यों होल्ड पर रखा है। जब बात हुई समाजवादी पार्टी के नेताओं से तो नेताओं ने भी यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी तभी समाजवादी पार्टी अपना पत्ता खोलेगी, यानी कि समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ऐलान का इंतजार है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़ रहे बलिया आजकल से, मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।